हेलो एवरीवन, और फिर से स्वागत है आपका इस 5 मिनट स्टॉक वीडियो में। ये वीडियो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड पे रहेगी, जो एक QSR कंपनी है। इसमें हम पॉजिटिव्स और कंपनी के नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव से। फर्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड यम ब्रांड्स की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इंडिया में, और QSR स्पेस में एक लीडिंग कंपनी है। इसके 884 स्टोर्स हैं, जिसमें 824 स्टोर्स को ब्रांड्स कहे, जैसे पिज़्ज़ा हट, KFC और कोस्टा कॉफ़ी। सेकेंड पॉइंट रहेगा स्ट्रॉन्ग पेरेंट पेडिग्री विद आरजे कॉर्प। आरजे कॉर्प DIL की होल्डिंग कंपनी है, जो DIL की सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, क्योंकि वो 60% स्टेक होल्ड करती है। ये पेरेंट कंपनी ग्रुप फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में 40 ईयर्स से काम कर चुकी है। इनकी कंपनी वरुण बेवरेजेस के थ्रू इनके पास इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को और जाम्बिया में पेप्सिको के फ्रेंचाइजी राइट्स है। ये पेरेंट कंपनी की लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड और फाइनेंशियल मसल DIL के लिए कुशन बनती है एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए। थर्ड पॉइंट है एडवांटेज ओवर सफ़ायर फॉर पिज़्ज़ा हट। सफ़ायर फूड्स एक राइवल कंपनी है, जो पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स ऑपरेट करती है। DIL को उसके ऊपर एक एडवांटेज है। ये एडवांटेज स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स के कैटेगरी में है। DIL के पास टेरिटोरियल राइट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु, पूरे कंट्री में स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स चलाने के लिए। स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स की एवरेज एरिया 600 to 1200 square feet होती है, और लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स की होती है 2500 to 3000 square feet। स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स की यूनिट इकोनॉमिक्स बेहतर होते हैं, और वो डिलीवरी फॉर्मेट स्टोर्स जैसे फंक्शन करते हैं। अब जहाँ पे भी सफ़ायर के लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स है, वहाँ पे DIL स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स खोल सकती है। फोर्थ पॉइंट है गुड मार्जिन्स एंड स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन विद सरपासिंग प्री कोविड लेवल्स। DIL के पास हाई ग्रॉस मार्जिन्स है, जो 70% है, और हाई एबिटडा मार्जिन्स है, जो 20% है। पैंडेमिक के टफ टाइम के समय भी इनका CFO 250 करोड़ था। बाकी हर QSR जैसे इनकी भी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी लो है, पर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ के वजह से FY22 इस कंपनी के लिए एक लैंडमार्क ईयर रहने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे ये कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट, रैपिड ग्रोथ इन न्यू स्टोर्स में डेंट मेट्रिक्स, ADS, SSSG और ब्रांड कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी QSR को जज करने के लिए की मेट्रिक्स होते हैं। अगर एक कंपनी हाइपर एक्सपेंशन मोड में है, तो ये सब मेट्रिक्स ट्रैक करने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि नए स्टोर्स को मच्योर होने टाइम लगता है, और वो समय लेते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा KFC वर्सेस पॉपाइज। DIL ने सबसे ज़्यादा वैल्यू KFC के थ्रू क्रिएट किया है, और ये इसलिए था क्योंकि KFC नॉनवेज कैटेगरी में अनडिस्प्यूटेड लीडर थी। पर अब वो कॉम्पिटिशन फेस कर रहा है, क्योंकि जुबिलेंट फूड वर्क्स ने इंडिया में पॉपाइज ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, जो चिकन बनाता है। जुबिलेंट के पास पॉपाइज की एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स है, और DIL के पास KFC के सिर्फ नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स है। पॉपाइज DIL के लिए एक बड़ा थ्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूसिव वर्सेस नॉन एक्सक्लूसिव। QSR स्पेस में बड़े कंपनीज जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स, बर्गर किंग और बारबेक्यू नेशन एक एडवांटेजियस पोजिशन में है, क्योंकि ये सब के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, और DIL के पास नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स है। उसके वजह से DIL सेम ब्रांड के लिए कम्पीट करता है डिफरेंट प्लेयर्स के साथ। इसलिए एक कंपनी के लिए मास्टर फ्रेंचाइजी होना सबसे प्रेफर्ड है नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स के जगह। फोर्थ पॉइंट है टर्न अराउंड ऑफ पिज़्ज़ा हट। पिछले 2 डेकेड से पिज़्ज़ा हट ने सेल्स और मार्केट खोया है, क्योंकि डोमिनोज के पास अच्छा बिजनेस मॉडल और टर्न अराउंड टाइम था। पिज़्ज़ा हट ने रिसेंटली अपने मॉडल में चेंजेस लाए हैं, और वो इम्प्रूव भी कर रहा है। पर अब देखना ये बाकी रहेगा कि कैसे पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज और बाकी कॉम्पिटिटर्स जैसे लापिनोज और स्मोकिंग जो से कम्पीट करता है। लास्ट पॉइंट रहेगा इस कंपनी के स्ट्रेच वैल्यूएशंस। DIL का करंट मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 19,000 करोड़ है। DIL 16.5x FY21 सेल्स और 10x TTM सेल्स के वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपैरेटिवली बहुत हाई वैल्यूएशंस है। इसलिए SSS टीम को लगता है कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है अगर ये कंपनी की ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करे। पर अगर कुछ क्वार्टर्स के लिए इसके रेवेन्यूज में स्टैग्नेशन आए, तो फिर कंपनी में सिग्निफिकेंट डी रेटिंग आ सकती है। इसी से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना अगर आपको पसंद आया।